जी हाँ, देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या अनाउंसमेंट है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पे टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत दोस्तों हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिजली बिल माफ करने के लिए उन्होंने जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म आपको भर देना है, जिनका भी अभी तक बिजली बिल माफ नहीं हुआ है वो बिजली बिल आपका माफ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट है, किसान कर्ज माफी की दोस्तों तारीख यहाँ पे निश्चित कर दी गई है, तारीख यहाँ पे दोस्तों घोषित कर दी गई है। तो क्या तारीख है, क्या यहाँ पे कैसे आपको अपना किसान कर्ज जो है माफ करा लेना है, जो भी आपके पास लोन है, केसीसी हो या भूमि विकास हो या जो भी बैंक का लोन हो दोस्तों, किस टाइप से आप उसको माफ कराएंगे, इसकी हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और देखिए यहाँ पे एक लैपटॉप और एक मोबाइल दोस्तों, जिसे हम मिनी मोबाइल बोल सकते हैं, ठीक है, मिनी लैपटॉप बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप लोगे फ्री दे रही है सरकार, एक लैपटॉप और एक मोबाइल दोस्तों। तो किन को यहाँ पे मोबाइल फ्री मिल रहा है, किन को यहाँ पे लैपटॉप फ्री मिल रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि बिजली बिल जो आपका माफ किया जा रहा है, कैसे आप उसको माफ कराएंगे, क्या उसकी कागजी प्रक्रिया रहेगी, कहाँ पे आपको आवेदन करना है। तो देखिए बिजली बिल माफ कराने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बिजली बिल माफ कराने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखिए आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो किसी भी तरह का आपके पास यहाँ पे एक पहचान पत्र होना चाहिए जो वहाँ पे गजिस्टर्ड ऑफिसर द्वारा दोस्तों अप्रूव्ड हो। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपके पास जितना भी बिजली का बिल है दोस्तों वो बिल ले लेना है, और दोस्तों उसके बाद में आपको राशन कार्ड ले लेना है, ठीक है। तो यह दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको जाना है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे, सीएससी सेंटर पे जाके आपको वहाँ पे आवेदन कर देना है, और जो बिजली के बिल माफ़ कराने की जो योजना है उसके अंतर्गत आपको आवेदन करना है। जैसा कि आप सभी लोग पूछते हैं कि योजना क्या है और कौन सी योजना हमको वहाँ पे जाके बतानी है, तो दोस्तों बिजली बिल माफ़ योजना जो चलाई जा रही है वो वहाँ पे आप आवेदन आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएससी सेंटर पे इसका आवेदन बिल्कुल भी फ्री है। अब देखिए वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हम उसका निवारण करवा सकें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जिनको भी अपना बिजली का बिल माफ़ कराना है, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम और अपने ज़िले का और अपने राज्य का नाम दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम पूरी डिटेल्स वहाँ की चेक कर सकें और आपको यहाँ पर कम्प्लीट फ़ायदा दिलवा सकें। यदि आपके शहर में, आपके राज्य में अभी तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है तो दोस्तों हम वहां पे लाभ पहुंचवा सकें। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर दें। और देखिए उसके बाद क्या है कि आपका नाम हम अपनी लिस्ट में डाल के आगे बढ़ा सकें, इसलिए दोस्तों हमें परमिशन दें कि हम आपका नाम जो है आगे बढ़ा दें। और परमिशन देने के लिए यदि आपको योजना पसंद है, अच्छी है, लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, जिससे कि दोस्तों हमें यहाँ पे परमिशन मिल जाए और हम आपका नाम आगे बढ़ा दें। बता दें कि आपके लाइक किए बिना हम ये जानकारी आगे नहीं बढ़ा सकते, आपका नाम लिस्टेड नहीं कर सकते। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम वगैरह देके वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, जिससे हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा दें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से लाखों लोगों को दोस्तों फ़ायदा मिल चुका है तरह तरह की योजनाओं के अंतर्गत। अब देखिए योजनाएँ काफ़ी चलाई जा रही हैं लेकिन जानकारी के अभाव में आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और देखिए आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट आपको रेगुलर लेने हैं दोस्तों, जो भी योजनाएं आ रही हैं सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, देन उसके बाद किसी और चैनल पे और किसी और जगह पे आपको मिलती हैं। अब देखिए बात करेंगे अगले बड़े अपडेट की, जो किसान कर्ज माफ़ी से रिलेटेड है और वहाँ पे तारीख भी उसकी घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों कैसे आप सभी किसान भाई अपना कर्ज माफ़ कराएंगे, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है जिससे कि आपको इस योजना का लाभ न मिले। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पे लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, मतलब कागजात क्या क्या होने चाहिए किसान भाइयों के लिए, जिससे कि उनका लोन, उनका कर्ज माफ़ हो सके। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में दोस्तों जो किसान भाई हैं उनके खेत की खतौनी होनी चाहिए, क्योंकि खतौनी में दोस्तों सारा डाटा होता है, आपने कितना कर्ज कब लिया है, किस बैंक से लिया है, कहां से लिया है, और आपके पास कितनी ज़मीन और जायदाद है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी वहां पे मिल जाती है। तो देखिए यह जो खतौनी होती है आपको अपने तहसील से प्राप्त करनी है, किसी भी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर से नहीं लेनी है, वह वहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपने तहसील से जाके ही ये खतौनी लेनी है। देन दोस्तों उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना
होना चाहिए। अब देखिए, जिनके पास आधार कार्ड है, खतौनी है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास यहाँ पे एक पहचान पत्र भी होना चाहिए किसी तरह का, यदि नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना राशन कार्ड और लगा देना है। राशन कार्ड लगाने के बाद दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने तीनों बताए हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड और दोस्तों आपके खेत की खतौनी, उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र और होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में दोस्तों आपकी आमदनी किसी अन्य सोर्स से कितनी है, ये चीज़ की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जिनके पास भी 5 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उनका यहाँ पे कंप्लीट कर्जा दोस्तों माफ़ किया जाएगा। किस तारीख को माफ़ किया जाएगा वो चीज़ भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए, कंप्लीट कर्जा 5 एकड़ वालों तक, जो 5 एकड़ तक सीमित है उनका कंप्लीट कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। और जो 5 एकड़ से दोस्तों थोड़े से एवव हैं, थोड़े से ऊपर हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन है, तो देखिए उनके यहाँ पे 2 लाख रुपये माफ़ करने का प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम उस तारीख की बात करते हैं जो तारीख आपको यहाँ पे दी गई है किसान कर्ज माफ़ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जुलाई को आप जितने भी किसान भाई हैं, आप सबका यहाँ पे कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई की कोई ज़्यादा दिन नहीं रहे, आने वाली है, तो यहाँ पे 1 जुलाई को आप सभी को पता पड़ जाएगा कि आप में से किस किस का कर्ज माफ़ हुआ है, किसका नहीं हुआ है दोस्तों। देन करेंगे, अब देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे जो भी आपकी प्रक्रिया है उसके बारे में। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाना है, वहाँ पर दोस्तों आवेदन कर देना है किसान कर्ज माफ़ी में। आपको अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र, ये चारों डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे आवेदन कर देना है। लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और अपना नाम, जो भी किसान भाई हैं, अपना नाम और अपने ज़िले राज्य का नाम हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको इस योजना का लाभ दिलवा सकें सबसे पहले। तो दोस्तों जो भी हमारे किसान भाई हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम दें। और देखिए, अपनी जानकारी को लिस्ट में डलवा के दोस्तों अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोस्तों, ये कंप्लीट जो आपकी जानकारी आगे बढ़वाने के लिए, नाम दोस्तों लिस्ट में डलवाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप लाइक कर दोगे तभी हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। किसान भाइयों के लिए बता दूं कि ये दोस्तों योजनाएं बिल्कुल फ्री हैं, इनमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लग रहा है। और यदि आप CSC सेंटर से आवेदन करते हो तो वहाँ भी आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी दोस्तों वहाँ पर आपको पैसा नहीं देना है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइक करना, नीचे कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं है इसका। ये सिर्फ आपके हित के लिए, जनहित के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। और देखिए यहाँ पे जो लोग अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं लिए हैं, जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको यहाँ सबसे पहले लाभ दिया जाएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब देखिए बात करेंगे, जो लैपटॉप और मोबाइल फ्री मिल रहे हैं दोस्तों, वह किसको फ्री मिल रहे हैं और किन लोगों को यहाँ पर क्या कागजी प्रक्रिया करनी पड़ रही है जो कि आपको लैपटॉप मोबाइल फ्री मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिनको भी लैपटॉप और मोबाइल मिल रहे हैं, देखिए पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है दोस्तों, 8वीं से स्टार्ट होके और आपके डिग्री डिप्लोमा तक, यहाँ पे दोस्तों लैपटॉप और मोबाइल मिल रहे हैं। अब देखिए, किसी को लैपटॉप तो किसी को मोबाइल मिल रहा है, यह जो मोबाइल है आपको मिनी लैपटॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों कंप्यूटर की सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो देखिए यहाँ पे जिनको भी ये लैपटॉप और मोबाइल चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपने 8वीं 10वीं 12वीं जो भी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। और ठीक है, जो भी यहाँ पे आपने लास्ट एग्जाम दिया है, जो भी आपने लास्ट क्लास कक्षा पास किया, उसमें आपका कितना परसेंटेज था वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये लैपटॉप और मोबाइल जो आपको मिल रहे हैं वो आपके परसेंटेज के आधार पर मिल रहे हैं। तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और देखिए अपनी पढ़ाई लिखाई और परसेंटेज हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें और आपका नाम यहाँ पर लिस्टेड कर सकें। देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में कुछ बताना है, आपकी परसेंटेज के बारे में बताना है। अब देखिए बात करेंगे, आपको CSC सेंटर पर जाके लैपटॉप मोबाइल के लिए आप कैसे आवेदन करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास देखिए यहाँ पे एक आधार कार्ड होना चाहिए और देखिए एक यहाँ पे वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पहचान पत्र भी चलेगा, वह भी आपको यहाँ पे लगा देना है। और जो भी आपने लास्ट एग्जाम अच्छी परसेंटेज के साथ में क्वालिफाई यानी पास किया है, तो वह
जरूर यहाँ पे फोटो कॉपी उसकी लगा देनी है और CSE सेंटर पे जाके दोस्तों इसमें आवेदन आपको कर देना है। अब देखिए दोस्तों स्कूटी योजना, जिन्होंने भी अभी तक स्कूटी योजना में आवेदन नहीं किया है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और सेपरेट वीडियो चैनल पे डला हुआ है वह भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए स्कूटी योजना के लिए तो हमें जरूर बताएं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखिए स्कूटी मिल चुकी है और काफ़ी लोगों का नाम यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है हमने जिनको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने जिले का नाम दोस्तों जरूर बताएं। अब देखिए जो भी लड़कियां यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लड़कियां जो हैं गर्ल्स हैं उनका यहाँ पे स्कूल और घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, या कोई भी ऑफिस जा रही है लेडीज उनके ऑफिस और घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री जी ने उनको स्कूटी देने का जो है घोषणा की है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आप कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो और आपने कौन सी क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रखी है। दोस्तों अपना नाम जरूर दें और जो भी ऑफिस जाने वाले हैं वो भी यहाँ पे जरूर बताएं। अब देखिए CSE सेंटर पे आपको कैसे आवेदन करना है उस चीज़ के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर दें। और यहाँ पे दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचें। और देखिए यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में अपने नाम वगैरह जरूर दें जिससे कि हम आपका नाम लिस्ट में डाल के आगे बढ़ा सकें दोस्तों, और यहाँ परमिशन हमें जरूर दें वीडियो को लाइक करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।